टॉपिक चैप्टर 20 यूनिट 7 एनेस्थेशिया एजेंट्स इंट्रोडक्शन। एनेस्थेशिया इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल एजेंट्स विच प्रोड्यूस पार्टिकल ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन और एनेस्थेशिया आर ड्रग्स विच डिसमिस और प्रोहिबिट्स नर्वस इम्पल्सेस एंड प्रोड्यूस सेंसेशन एब्सेंस। और एनेस्थेशिया दवाएं जो हमारी बॉडी में सेंसेशन को समाप्त कर देती है, फिनिश कर देती है या शून्यता उत्पन्न करती है, यानी सेंसेशन ये सेंसेशन व्यक्ति में अनकॉन्शियस और बेहोशी के साथ भी उत्पन्न की जा सकती है। एनेस्थेशिया के उद्देश्य पर्पस ऑफ एनेस्थेशिया एनेस्थेशिया देने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पेशेंट का सहयोग प्राप्त करना, दर्द को कम करना या समाप्त करना, बॉडी की मसल्स को स्थिर करना, लंबे समय तक रोगी को एक ही स्थिति में रखना, सर्जिकल प्रोसीजर आराम से करना। टाइप्स ऑफ एनेस्थेशिया एनेस्थेशिया को प्रभावित क्षेत्र के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। लोकल एनेस्थेशिया और स्पाइनल एनेस्थेशिया, जनरल एनेस्थेशिया इसमें नहीं इंक्लूड है, सेडेटिव एनेस्थेशिया और टॉपिकल एनेस्थेशिया भी होते हैं। अब हम देखते हैं लोकल एनेस्थेशिया। ये बॉडी के एक लिमिटेड एरिया को इफेक्ट करते हैं। प्रायः शरीर के जिस भाग को सुन्न करना होता है ये वहाँ लगाया जाता है। लोकल एनेस्थेशिया के रूप में केमिकल पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जाइलोकेन हाइड्रोक्लोराइड, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, एमीटोकेन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड, ये निम्न प्रकार से यूज में लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं लोकल एप्लीकेशन। इसका सर्जिकल साइट पर लेप किया जाता है, जैसे कोकेन -4%, इनफिल्ट्रेशन करना, इसमें इफेक्टेड एरिया में सिरिंज द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, जैसे जाइलोकेन 2%, फील्ड और एरिया ब्लॉक एनेस्थेसिया, इसमें सर्जरी साइट से ऊपर या मेन नर्व जो यहाँ से सेंसेशन ले जाती है कि समीप किया जाता है, नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया, इसमें किसी ऑर्गन की यानी नर्व सप्लाई में एनेस्थेसिया दिया जाता है जिससे पूरा ऑर्गन संवेदना विहीन हो जाता है, जैसे हाथ की सर्जरी में कंधे पर नर्व में एनेस्थेसिया इंजेक्ट किया जाता है।